Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very, very warm welcome, Nazreen. जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। अब तो ईद काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन बहरहाल चूँकि आज मैं ईद के बाद लाइव हूँ, तो तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत खुशगवार गुजरी होगी, नई नई चीज़ें पकाई होंगी, ट्राई किया होगा, दावतें हुई होंगी। अगर आप मेरी ईद का पूछते हो, आप सोच नहीं सकते कि मेरी ईद घर में ही गुजरी है और ज़्यादा टाइम बिस्तर में, और बस ज़्यादा टाइम बिस्तर में, फिर अल्लाह के साथ। घर मैं कहीं नहीं निकली हूँ, आप सोच नहीं सकते, मेरी ऐसी पहली ईद थी, कहीं नहीं गई। एक तो डर इतना, खौफ इतना बैठा हुआ है, बिकॉज़ ये जो करोना है, जो उसकी थर्ड वेव और फोर्थ वेव, आप सुन रहे हैं फिफ्थ में एक फिफ्थ वेव आने वाली है, और डेल्टा वायरेंट, इट्स वेरी वेरी सीरियस, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। प्लीज़ इसको आप लोग मजाक नहीं लीजिए, बिकॉज इसमें पता ही नहीं चल रहा, इसमें सिम्टम्स बिल्कुल अलग है, ना बुखार आता है, ना खांसी आती है, बिल्कुल एकदम से जाके लंग्स को अफेक्ट करता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं एंड इट बिकम्स वेरी सीरियस। तो इस चीज़ को आप लोग मजाक नहीं समझिए, दो दो मास्क पहनिए। देखें, अगर हम जिंदा होंगे तो हमें हर चीज़ इंशाल्लाह मिलेगी, हर चीज़ हम कर सकेंगे, हर चीज़ खा पी सकेंगे, घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, हर चीज़ होगी। लेकिन अगर खुदा ना करे इस बीमारी में हम पड़ जाएँ, तो बस अल्लाह ही रहम करे। मेरी तो हर नमाज में हर एक के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ है कि या अल्लाह सबको सेफ, हेल्दी, साउंड, हेल्दी रखना, और बस इस वबा को, उस वायरस को कुन फयकून कह के उठा ले ऊपर, बिकॉज बस कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अल्लाह ताला से इतनी माफ़ी मांगते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ज़रूर कोई तो बात है जिससे अल्लाह ताला राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो हमें सबको मिलके अल्लाह ताला को राज़ी करना है कि आधा पाक अब आप बस कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए या अल्लाह। बहुत हो गया वाकई में, कभी कभी तो डिप्रेशन होने लगता है, एंड वन गोज़ इनटू डिप्रेशन के वी डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस, व्हाट्स, वी डोंट नो एनीथिंग। बहरहाल अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाते हैं, फिर वही बात है, थिंक पॉजिटिव, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ज़ाहिर बात है काम तो नहीं रुक सकता, काम पे आना है, काम पे लोग जा ही रहे हैं, लेकिन ख्याल करें, ख्याल करें, डबल मास्क पहने, डबल मास्क पहने, अब एक मास्क का काम नहीं है, अब डबल मास्क पहने, हाथ धोते रहें बार बार, और SOPs का ख्याल रखें, बस यही हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नया हफ्ता, नया मेन्यू, आज बहुत ही ज़बरदस्त हम चीज़ बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट, उसके बाद हम बनाएंगे फेटिचिनी एंड चिकन मेडले, और हम बनाएंगे ग्रीन टिक्का, और हम बनाएंगे लेमन सोडा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको आज बनानी है, और हम बनाएंगे इसको, पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, टिक्के से करते हैं, ठीक है, बिकॉज टिक्के को जाना है अवन में। अच्छा, देखें, जिनके घर में बारबेक्यू की सहूलत है, तो प्लीज़ आप ये टिक्के बारबेक्यू करिए, ठीक है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के। ये हमारे घर के पास है दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, वहाँ पे आप लोगों ने गफ्फार का नाम सुना होगा, वहाँ की ये रेसिपी है, और इतने मज़े का ये हरा टिक्का, ग्रीन टिक्का होता है उनका, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बारबेक्यू करिए, बहुत मज़ा आएगा। अगर बारबेक्यू की सहूलत नहीं है, अवन में बेक कर लें, और फिर अवन में बेक करने के बाद कोयले का दम दे दीजिए, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत इससे करते हैं, कौन सी अंगीठी, हाँ मेरी सर्विंग की, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम करने जा रहे हैं, वो हम बनाएंगे ग्रीन टिक्का। इसके लिए 1 किलो मुझे चिकन चाहिए, जिसके मैंने कराए हैं 4 पीसेस, ठीक है, 4 पीसेस ये टिक्के के हमने ये देखें कराएं, और इसमें मैंने अभी 5 मिनट शो शुरू होने से पहले पपीता लगा दिया है, ठीक है। इसमें आपको पपीता लगाना है 1 खाने का चम्मच, बल्कि जब आप घर में इसको करेंगे तो आप सारी चीज़ों को साथ मैरिनेट कर दीजिएगा,
हरा मसाला, पपीता, अदरक लहसुन, क्रीम, गरम मसाला पाउडर, नमक, हर चीज़ डाल के आप साथ साथ इसको मैरिनेट कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब मेरे पास मैंने लिए है छोटी वाली तेज़ वाली 20 हरी मिर्चें, ठीक है, ये स्पाइसी होता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप मिर्चें को कम कर दो, 15 कर दो, ठीक है। 15 हरी मिर्चें ले लीजिएगा या 20, मैंने 20 ही लिए। उसमें मैंने शामिल किया है क्वार्टर गड्डी पुदीने की, आप समझ लें 20 पत्ते पुदीने के डाले होंगे मैंने, ठीक है। और हरा धनिया मैंने एक छोटी गड्डी लिए, एक कप ले लीजिएगा, ये पूरा आप इसमें डाल दीजिए। ये 1 किलो मुर्गी जिसके बना रही हूँ मैं 4 टिक्के, इसमें अब जाएगा नमक 2 चाय का चम्मच, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 2 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबल स्पून, पपीता मैं लगा चुकी हूँ, और क्रीम का 1/2 पैकेट। नमक और हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है, दो टीस्पून नमक, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून ओके, ये चला गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम इटालिया का 1 टेबल स्पून, और क्रीम जाएगी इसमें 1/2 पैकेट। टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है उसका आप 1/2 पैकेट ले लो, 1/2 कप। मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर इसको खूब अच्छी तरह रगड़ूंगी, इतनी अच्छी तरह कि इसके जो कट्स लगे हुए हैं इसमें अंदर तक एक एक कट्स में इसका मसाला चला जाए, ठीक है। इतनी अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी, फिर ओवन की ट्रे में इसको हम रखेंगे और इसको हम 170 डिग्री पे बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद ओवन को खोलूंगी और इसको हम टर्न करेंगे और मज़ीद 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अच्छा, इसमें ये लिखा नहीं है, अगर आप बेक कर रहे हैं ओवन में तो आप इसमें 1/4 कप इटालिया का ऑयल डाल दीजिए, पोमेस, और अगर आप इसको सीखों पे लगा के बारबेक्यू करेंगे तो आप उसमें तेल नहीं डालेंगे, आप तेल उसमें ब्रश करेंगे आखिरी के 5 मिनट पहले उतारने से, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, ओवन में डालती हूँ, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें मसाला इसमें बहुत होता है, और ये पूरा मसाला इसमें जाएगा।
आज का सवाल भी है, एनेक्स का गिफ्ट भी है, और ये केटल है एनेक्स की, डीलक्स केटल। सवाल ये है कि मेरे सिखाए जाने वाले पास्ता के नाम बता दीजिए, तीन किस्म के। डोंट वेस्ट दिस मैरिनेशन, बिकॉज हम इसको 20 मिनट के बाद जब टर्न करेंगे कोयले का धुआं देंगे इसको एंड में। पपीता जरूर लगाइएगा, और इसका मैरिनेशन टाइम है 2 आवर्स, 2 घंटे मैरिनेट करेंगे और फिर आप ओवन में ला देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, सॉरी जी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ अपनी आज की सेकंड रेसिपी पे। ठीक है, जो कि हम करेंगे फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए आपको फ्रेंच लोफ चाहिए, आधी चाहिए, फ्रेंच लोफ बहुत बड़ी होती है। ये होती है फ्रेंच लोफ, ओके। आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट के लिए कि आपको 4 स्लाइस चाहिए फ्रेंच ब्रेड के, नो आधी चाहिए, कम से कम 8 स्लाइसेस तो दीजिएगा ना। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप फ्रेंच लोफ को आड़ा काट लीजिए या आप सीधा काट लीजिए, और बहुत पतले नहीं काटिएगा, थोड़े मोटे, और इसको आपको अपने पायरेक्स के डिश में सेट करना है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके इसका कंटिन्यूएशन करते हैं। स्टे विद मी। जनाब वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट पे। इसके लिए आपको 4 अदद अंडे चाहिए, और उसमें आपको डालना है 1/2 कप दूध। ठीक है, और हम इसमें डालेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून, चार टेबल स्पून क्रीम चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस और शुगर, शुगर जाएगी इसमें 4 टेबल स्पून हीट, आपकी मर्ज़ी है, मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, इसलिए ज़्यादा डालूँगी कि मैंने फ्रेंच टोस्ट की स्लाइसेस ज़्यादा ली हैं। वरना फीके तो नहीं मज़े का लगता ना।
अच्छा, सिनेमन पाउडर बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फ्रेंच टोस्ट में उसका जायका, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो सिनेमन पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून और वेनिला एसेंस जाएगा इसमें 1/2। अब ये मिक्सचर हमारा फ्रेंच टोस्ट का रेडी है। अब इस मिक्सचर में हम अपनी ब्रेड स्लाइसेस को, फ्रेंच ब्रेड की स्लाइसेस को हमें सोक करना है। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो करिएगा। हेलो रंजीता, सो सॉरी बेचारी। दस मिनट ज़रूर सोक करिएगा ताकि ये बड़े मज़े की बने। अच्छा, और इसको आप प्लेन डबल रोटी से नहीं बनाइएगा, इसी से बनाइएगा। ठीक है, अब हम लेंगे ऑयल, 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें हम डालेंगे बेहतरीन सलूर पाक का मक्खन अनसॉल्टेड। दो आउंस आप बटर ले लीजिए, बेहतरीन मक्खन है। हर चीज़ में आप देखो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ बेकिंग में ये यूज़ नहीं होता है, आप फ्राइंग में इस्तेमाल कर लो, शैलो फ्राइंग में कर लो, बेकिंग में करो, तड़का लगाओ, कुकिंग में डालो, हर चीज़ में आप लूरपाक का मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 आउंस आपने मक्खन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, आपका शो का बहुत अच्छी देखते हैं, आपका शो सबसे अच्छा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हमने आपकी बहुत सी रेसिपी इस्तेमाल की है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे एक फरमाइश है, आप चिकन रोस्ट बनाएंगे किसी दिन? कौन सी चिकन रोस्ट, नाम बताएं, कौन सी वाली रोस्ट, कोई खास रोस्ट है? Yes. कौन सी, नाम बता दो बेटा। क्रीम रोस्ट। अच्छा ठीक है, मैं बना दू। ग्रीन रोस्ट या क्रीम रोस्ट? क्रीम रोस्ट। अच्छा मैं सिखाती हूँ, ठीक है, मैं जरूर सिखा दूंगी, बहुत शुक्रिया। तो वाओ, क्या माशाल्लाह ये हुए नरम, जबरदस्त। ठीक है, इनको हम करेंगे शैलो फ्राई, फिर इसकी हम बनाएंगे सॉस। ठीक है, इसकी सॉस बनेगी, सिनेमन सॉस बनेगी, अभी पकाने रखती हूँ। और फिर टॉपिंग है इसकी व्हिप क्रीम और क्रीम चीज़ के साथ, आप इसको एंजॉय करें आइसिंग शुगर छिड़क के और केलों के साथ। मैं करूँगी आपके सामने सब कुछ, आपके सामने इसको कंप्लीट आपके सामने करूँगी। तो
संभाल के उठाइएगा, इतनी माशाल्लाह सोख अच्छी हो गई है कि ये टूटने का डर है। फ्रेंच टोस्ट तो आप सोचेंगे ये आपा को क्या हो गया, फ्रेंच टोस्ट सिखा रही हैं, लेकिन आप ये फ्रेंच टोस्ट देखो हर कोई बनाता है अपने घर में, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरह आप जाते हो रेस्टोरेंट्स में जाते हो ब्रेकफास्ट पे, वहाँ जाके आप खाते हो। और दो तीन स्लाइसेस में आ जाएंगी आराम से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन रात अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद फरमाए। अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को आसान करे और दुश्मनों के शर, उनकी नजरें बद और बददुआओं से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो बेटा, आप भी हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। जिसके 1 करोड़ चाहने वाले होते हैं उसके 100 दुश्मन भी होते हैं, ये तो आप सब मुत्तफिक करते होंगे मेरे से। और लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे अपने अल्लाह पे इतना 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 भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की दुआएं, आपका साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह जब घर से निकलते हैं जो कुछ इबादत होती है वो करके निकलती हूँ, मगरिब के बाद जो कुछ होता है वो पढ़ती हूँ। अल्लाह गफूर रहीम है बेटा। हेलो रंजीता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। और ईद मुबारक आपको। खैर बिलेटेड है, बट ईद तो पूरा साल चलती है जब माँ का आशीर्वाद हो और अल्लाह ताला की रहमत हो, मैं तो यही सोचती हूँ। और आपकी ईद के शोज बहुत अच्छे थे, दो आई मिस द लास्ट वन, बट फर्स्ट टू आई सॉ इट वाज रियली, ऑल रेसिपीज वर गुड। इवन मैंने वो रॉयल हाइनेस पुडिंग भी बनाई, वो रियल में रॉयल हाइनेस ही थी। थैंक यू रियली, जी जी, बहुत ही अच्छी रेसिपीज थी। और मुझे एक सवाल था, ये जो आप वाटर बाथ से बेकिंग करते हैं तो हाँ। जो हम वाटर बाथ जिसमें डालते हैं वो भी प्री हीट होना चाहिए कि वो उस डिश के अंदर, जैसे डिश मतलब अवन प्री हीटेड है, अवन हम जब डिश को डाल रहे हैं तो वो बताइए। नहीं, अवन प्री हीटेड हो रंजीता, वो ना हो, वरना तो वो एकदम से जाके एकदम से पकना शुरू हो जाएगा, वो आराम आराम से पकता है। जी 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 जी, तो वो उसका टेक्निक वही है जैसे आपने सिखाया था, डिश को वाटर बाथ में डालकर प्री हीटेड अवन में सबको डालना। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन थी, मुझे कहना था कि उस्ताद तो छोटी से छोटी चीज भी हमने जिससे सीखी हो वो उस्ताद है। खैर आप तो हमें इतना कुछ सिखा रही है, तो उन सभी के लिए जो मतलब कुछ भी लिख देते हैं वो, उससे क्या होता है हमारे जैसे लोगों को बहुत पिंच होता है। लास्ट 3 डेज आई वाज सो सैड, मैंने कुछ पढ़ा था यूट्यूब सोशल मीडिया पे, इट वाज सो बैड सो बैड। तो मैं उन्हीं लोगों को कहूंगी कि आप ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपसे अगर सीख रहे हैं तो उसका क्रेडिट दीजिए, अगर नहीं भी दे सकते तो कुछ बुरा मत लिखिए। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग समथिंग बैड, प्लीज स्टॉप इट। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या फायदा इतना इबादत करने का, उसके बाद हम सब कुछ जीरो कर रहे हैं ऐसे सब लिखकर। बस यही कहना था मुझे, और ये सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे तो खैर कुछ नहीं पता, लेकिन देखो अभी आपने ये बात की और मैंने इससे पहले आपको कहा है कि बेटा जिसके हज़ारों नहीं करोड़ों पूरी दुनिया में चाहने वाले हर जगह फैले हुए हैं,
तो उसके 100 दुश्मन होना लाजमी है। और आप ये सोचो, करोड़ों चाहने वालों से करोड़ों ज़्यादा हैं या 100 हों दुश्मन, तो कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे इतना पक्का पक्का भरोसा है, और मैं इतना पढ़ती हूँ आप सोच नहीं सकते। बस बचाने वाला तो वो रब है ना बेटा, और जो करेगा उनके आगे आएगा। उनके माँ बाप नहीं है क्या? उनको ये एहसास नहीं होता कि हम जिसके लिए भी जो कर रहे हैं तो हमारे भी तो माँ बाप हैं ना, उनके माँ बाप के आगे आएगा। और उनकी उनका दिखाया जाता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो किस किस्म के लोग हैं। तो इट्स ओके, लेट देम डू, ठीक है। अच्छा ये मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे आप देखो, अमेजिंग है ना, ये मैं निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद आप लोग ब्रेक से आओ, मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को भी फ्राई करूँगी, और फिर मैं आंकने के साथ ही मैं बनाऊँगी सिनेमन सॉस, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मनिंग्स, और ये देख लीजिए मैं आ रही हूँ सिनेमन सॉस पे। सिनेमन सॉस के लिए आपको चाहिए मक्खन लूरपाक का 2 ounce या 2 tablespoon, अनसॉल्टेड ले लें, सॉल्टेड ले लें, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये ले लिया आपने, फिर उस लूरपाक का लेना है आपको। उसके बाद आप इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 4 tablespoon, ब्राउन शुगर चली गई। अच्छा, क्लेरिफाइड बटर गलती से लिख दिया है, तो वही होता है, तो लेकिन इट्स क्रीम, ठीक है। 4 tablespoon जितनी आप कोई सी भी क्रीम डाल दो इसमें। ये चली गई, उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्न सिरप, लाइट कॉर्न सिरप 1 tablespoon। ठीक है, लाइट कॉर्न सिरप चला गया 1 tablespoon, एंड सिनेमन पाउडर 1/2 teaspoon। इसको आपको कुक करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने 4 tablespoon ब्राउन शुगर लिए, 3 से 4 tablespoon क्रीम लिए, टेट्रा पैक की ले लो, विपी विप की ले लो, कोई भी ले लो। उसके बाद मैं मक्खन 2 ounce या 2 tablespoon लिया, लाइट कॉर्न सिरप नहीं है आपके पास तो हनी डाल लो 1 tablespoon, और सिनेमन पाउडर 1/2 teaspoon। मैंने चिकन ग्रीन टिक्के को टर्न कर दिया है। ये मेरे पास क्रंची नट के लिए फ्लेक्ड आलमंड्स पड़े हुए हैं, इसको मैं ज़रा सा टोस्ट करूँगी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र, अब आपसे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जज़ाकअल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपका टीवी खुला हुआ है, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी और ड्रॉप हो गई। क्या फ़ायदा होता है अल्लाह, आप लोग इतना पैसा खर्चा करते हो, टाइम लगाते हो, टीवी खुला रख देते हो, ड्रॉप हो जाती है कॉल। इसको आपको ज़रा सा अच्छा सा कुक करना है।
ठीक है, ये हमारी सॉस अच्छी सी थिक होनी चाहिए। आप चाहें तो ये सॉस अलग से सर्व कर दीजिए या मैं इसी के ऊपर ड्रिजल करूँगी। जिस तरह आप ब्रेकफास्ट पे जाते हो और आपको ये ब्रेकफास्ट पे मिलता है, मैं आपको वही सर्विंग बताऊँगी। थोड़ा सा ऊपर डालूंगी और बाकी अलग से करूंगी सर्व। चलें जी, ये देख लीजिए हमारी सिनेमन सॉस रेडी है। केले चाहिए हमें, दो ले लें, तीन ले लें। स्ट्रॉबेरीज डालना चाहो स्ट्रॉबेरीज डाल दो, मैंगोज नहीं डालना, पीचेस डाल सकते हैं, बट बेस्ट इसका है कॉम्बिनेशन बनाना। थोड़ा सा गोल्डन चाहिए, जो लोग बाहर रहते हैं वहां तो जंबो साइज के आप लोगों को बनानास मिलते हैं, आप एक ही लीजिएगा। दिस इज सो हेल्दी, जो बच्चे तंग करते हैं नाश्ता नहीं करते उनको ऐसी चीज़ें बना के दें। हेलो मेलिसा। हेलो आंटी, बिलेटेड ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच टू ऑल योर फैमिली, योर टीम, टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आई वांट टू थैंक यू फॉर पीपल लाइक मी हु आर नॉट एबल टू गो फॉर क्लासेस, हु आर नॉट अलाउड आई शुड से। It is a real blessing what you are doing. It's a real, I'm very grateful to you. Sitting at home, I'm learning everything without going for any classes, anything. Alhamdulillah, alhamdulillah. I just need your prayers. Always, you're always in our prayers. Always. You're always in our prayers. Thank you, Aunty, this, you toasted these microwave... nuts in the microwave. Yeah. Now you put it in the microwave setting or you put it on heat setting? Heat setting. Acha, okay. Because I don't know how to do that. And ye dekhe na. When you do on the pan, it doesn't give you. हाँ, ये देखें कितने अच्छे हो गए. Yeah. ठीक है. Okay. Thank you, auntie. Take care of yourself. Thank you. You're welcome. Bye bye. केले के ऊपर ये सॉस जाएगी. क्यों? ताकि केले आपके डिसकलर ना हो जाए। अच्छा, थोड़ी सी सॉस में बचा रही हूँ, जिस तरह रेस्टोरेंट में सर्व होती है, छोटी सी प्याली में निकाल के मैं यहाँ रखूँगी। अब बहुत गर्म हो गया ये, प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज बनाइए। ये स्पेशल ओकेजन, आपके हस्बैंड की बर्थडे हो,
या बच्चों का कुछ हो, आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है जी, चलें, ये हो गया है कंप्लीट। और अब वक्त आ चुका है इधर एक ब्रेक का, मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे हमारी फेटुचिनी। स्टे विद अस। जी जनाब, हमारी दो रेसिपीज़ रेडी होके टेबल पे जा चुकी हैं। ठीक है, ग्रीन टिक्का और क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट। अब हम आ रहे हैं फेटुचिनी एंड चिकन मेडली पे। ओके, इसके लिए मुझे दो मुर्गी के सीने चाहिए। आपको चाहिए आप साबुत ले लो, मैंने स्ट्रिप्स काट लिए है। ये देखें, थोड़ी सी मोटी मोटी काटिएगा। ओके, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सिरका 1 टेबलस्पून, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। रिपीट कर रही हूँ, दो मुर्गी के सीने जूलियन थिक जूलियंस में काट लीजिए। मैरिनेट करेंगे 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट इटालिया का, सिरका 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4 छोटी तेज़ वाली पीस के 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ठीक है, ये हमारा हो गया मैरिनेशन। अब हमें करना क्या है, तेल और बटर लेंगे, उसमें हमको मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करनी है। लेकिन फ्राई करने से पहले आपको बाज़ार में कैन मिलता है पील्ड टोमेटोज़ का, ठीक है, वो आपको डालना है इसमें आधा कैन। बहुत मज़े की होती है, वेरी नाइस। अच्छा, ऑयल 2 टेबलस्पून एंड बटर 2 टेबलस्पून, लूरपाक का बेहतरीन सा बटर, आज मैंने सब चीज़ में यही इस्तेमाल किया है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी चीजें बनी ट्राई करती हूँ मैं। बहुत जरा पूछना था, ये मसाले जो हैं स्वास्थ्य के, ये मिलते नहीं है यहाँ स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, किसी भी सुपर स्टोर में नहीं मिलते? नहीं, 2-3 जगह मैंने मालूम किया लेकिन नहीं आए। पहले भी आ रहे थे तो पहले भी पूछा, पहले भी नहीं मिले मुझे, अभी भी नहीं मिले। अच्छा, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। चले, मैं पूछ के बताऊंगी आपको, कल इसका जवाब दूंगी, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत शो पे जवाब दे देंगे जी, तो लगेगी नहीं तो। नहीं नहीं, मैं शो पे जवाब दूंगी, बस अल्लाह करे मुझे याद रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का सवाल किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 पास्ता के नाम बताइए तो आप जीत सकेंगे ये केटल, डीलक्स केटल जो आपके लिए एनएक्स ने भेजी है। अच्छा जी, बटर और ऑयल गरम हो गया, उसमें आपने ये आधा कैन पील टोमेटोज का डालना है और इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि हमारे टमाटर ज़रा ज़रा से गल जाए। ये साबुत थे, कैन में होल टोमेटोज आते हैं, मैंने अभी इसको खड़े खड़े इसको तोड़ा है ताकि जल्दी हो जाए। जब ये ज़रा सा होने लगेगा ना
मुझे लगेगा कि ये पल्पी होने लगा है, तो मैं इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। यहाँ पे मेरे पास बेल पेपर है रेड, और हरी प्याज रखी हुई है मेरे पास, स्वीट कॉर्न इटालिया का जाएगा, सब कुछ जाएगा, बॉइल्ड फेटुचिनी है मेरे पास, मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ, बहुत तंग करता है वो चूल्हा मुझे। थोड़ी सी देर कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। ये देखें हमारी चिकन ग्रीन टिक्का, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, अंदर से बहुत ही जूसी और मॉइस्ट होगा इंशाल्लाह ताला, कोयले का दम दे दीजिएगा। हाँ ले लें, ब्रेक लेके आ जाती हूँ, ठीक है जी, ब्रेक आ गई है तो हम ब्रेक लेके वापस आके इसको कंटिन्यू यहीं से करते हैं जब तक टमाटर गल रहे हैं, स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारे टमाटर भून चुके हैं, वो जो कैन टोमेटो, पील कैन टोमेटो आधा टिन डाला था, अब ये पूरी मैरिनेटेड चिकन चली गई है, अब इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरह से जब तक कि हमारी चिकन गल जाएगी, फिर इसमें सारी वेजीज जाएंगी, फेटुचिनी फोल्ड करूंगी और ये आपको पेश करेंगे। जब तक ये चिकन गल रही है हम आ जाते हैं अपनी आज की ड्रिंक पे, जो कि बन रही है लेमन सोडा। लेमन सोडा के लिए आपको चाहिए आइसक्रीम सोडा सिरप, ड्रिंक नहीं, आइसक्रीम सोडा ड्रिंक नहीं चाहिए आपको, आइसक्रीम सोडा सिरप चाहिए। हाफ कप, वाटर 1 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, आइस 1 कप, हेरिबियन का आज हम लेंगे इसबगोल, ये हमारे पास नेचुरल फ्लेवर है, फाइबर लेक्स है ये हेरिबियन, ज़रूर ली के रखिए घर पे, कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है। 2 टेबलस्पून आपने ये डाल दिया, चले अब चिकन भी हो गई, अब मैं सीजनिंग्स डालूंगी, ठीक है, इसको हम ग्लासेस में निकालते हैं। अब इसकी हम आ रहे हैं सीजनिंग्स की तरफ, फेटुचिनी की, चिकन हो गई है हमारी, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, सीजनिंग्स उसमें मैरिनेशन में तो डाला था लेकिन 1/2 टीस्पून मैं और डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून, उसके बाद रेड पेपर कुटी हुई, लाल मिर्चें 1 टीस्पून और जाएगी, मैरिनेशन में गई है वो अलग है, ठीक है। स्वीट कॉर्न इटालिया का 1 कप,
वन कैन चला गया पूरा। अब इसमें मैं फेटुचिनी फोल्ड कर रही हूँ। और इसमें जा रहा है ये बेल पेपर वन थिनली स्लाइस, और इसमें जाएगा हरी प्याज। अभी नहीं, हरी प्याज मैं डालूंगी इसमें ऊपर से, ठीक है। जब ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। इसमें कुछ नहीं है, दिस इज़ डन, रेडी है ये। सिर्फ हरी प्याज और पार्सले ऊपर से जाएगी और इसको हम निकाल के आपको सर्व करें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट, अच्छा फ्रेंच ब्रेड 4 स्लाइस, अंडे 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, दूध आधा कप, कास्टर्ड शुगर 4 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मक्खन और तेल फ्राइंग के लिए, बादाम स्लाइस हस पे ज़रूरत, दालचीनी सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 औंस, घी 3 खाने के चमचे, कॉर्न सिरप 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा, व्हिप्ड क्रीम आधा कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, वनीला चंद कतरे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, केले 2 अदद। तरकीब, अंडे, दूध, क्रीम, चीनी, दालचीनी, वनीला एसेंस मिलाकर फेंट लें। अब इस मिक्सचर में ब्रेड स्लाइस डिप करके 10 मिनट भिगोएं और फ्रेंच टोस्ट बना लें। फिर पैन में मक्खन और तेल गरम करके फ्रेंच टोस्ट फ्राई करें। उसके बाद ब्राउन शुगर, मक्खन, दालचीनी, घी और कॉर्न सिरप पकाएं और दालचीनी सॉस बना लें। टॉपिंग के लिए क्रीम, क्रीम चीज़, चीनी, वनीला एसेंस फेंट लें। सर्विंग के लिए फ्रेंच टोस्ट को बैटर में निकाल कर केले रखें और सॉस शामिल करके सर्व कर दें। फेटुचिनी एंड चिकन मेडले मैरिनेशन के अज्जा। चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, टमाटर आधा टिन, स्वीट कॉर्न 1 कप, केचप 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, उबली फेटुचिनी 2.5 कप, कटे पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब, चिकन ब्रेस्ट पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट करके रख दें। अब पैन में तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन, टमाटर, तमाम मसाले और सिवाय हरी प्याज के तमाम सब्जियां शामिल करके 1 कप पानी के साथ गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें हरी प्याज, उबला फेटुचिनी पास्ता शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें चिकन मिक्स करें और पार्सले डाल के सर्व कर दें। ग्रीन टिक्का, अच्छा चिकन टिक्का 1 किलो, पिसी हरी मिर्चें 20 अदद, पिसा पुदीना 1/4 गट्ठी, पिसा हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा पैकेट। तरकीब, चिकन टिक्के पर कट लगाएं और तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्यूअर्स में लगाएं और 20 मिनट ग्रिल या बेक कर लें। आखिर में इन्हें कोयले से धुआं दे के सर्व करें। लेमन सोडा, अच्छा आइसक्रीम सोडा आधा कप, बर्फ 1 कप, पानी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हर्बेन लेमन फ्लेवर 2 खाने के चमचे। तरकीब, तमाम अज्जा को ब्लेंडर में ब्लेंड करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख लिया आज का शो आपने मुकम्मल होने जा रहा है और आपको आई होप आज की रेसिपी समझ आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी। जो कि हमने बनाई थी, ग्रीन टिक्का बनाया था और फेटुचिनी एंड चिकन मेडले बनाई थी एंड क्रंची नट फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। तो आपने ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है। और जब भी फ्रेंच टोस्ट बनाएं तो आप घर में भी अगर बना रहे हैं ना, तो फ्रेंच लोफ अगर हर जगह नहीं मिलती या नहीं होती, तो आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप फ्रेंच टोस्ट 2 ला के रख लो अपने घर। ये तो आधी का बनाए ना,
तो आप दो फ्रेंच सॉरी माफ़ कीजिए दो फ्रेंच लोफ ख़रीद के ले आइए घर पे और उसको आधी आधी करके क्लिंग में लपेट के फ्रीज़र में डाल दीजिए। दो महीने बाद भी निकाल के उसको स्लाइसेस काट के आप फ्रेंच टोस्ट बनाइए, बेहतरीन नरम और सॉफ्ट होगी। बार बार नहीं जा सकता, ऐसे हालात हैं तो आप एक साथ जाके ख़रीद लो तो बहुत है, चार दफ़ा आपके फ्रेंच टोस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी शेफ़ साइमा के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा जी। आज की हमारी विनर है नौरीन फ्रॉम क्वेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और आज दावत में बन रहा है मैंगो चिकन, मैंगो बीफ चिली। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल मिलते हैं आपसे 11 बजे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं में सबको एक दूसरे को याद रखें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खूबी के साथ रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।